गूगल के फ्री ऑनलाइन टूल टीचेबल मशीन को यूज़ करते हुए हम सीखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग क्या है। हम सीखेंगे कि कैसे कंप्यूटर विजन जो है वो ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन करती है यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जैसे अगर हम अपनी मशीन को बनाना का ऑब्जेक्ट दिखा रहे हैं थ्रू द वेबकैम, तो मशीन रिकग्नाइज कर पा रही है कि ये एक बनाना है, या अगर मैं एक एप्पल रख रहा हूँ तो मशीन रिकग्नाइज कर पा रही है कि ये एक एप्पल है, या ये जो है ये एक लेमन है। और इवन दो जो बॉल है ये लेमन से काफ़ी मिलती जुलती है, पर मशीन को बॉल दिखती है तो मशीन जानती है कि ये बॉल है, और अगर मशीन को लेमन दिखता है तो मशीन जानती है कि ये लेमन है। तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इस दुनिया को थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग मॉडल और मशीन लर्निंग बेस्ड AI कंप्यूटिंग मॉडल में फ़र्क क्या है। ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग में मॉडल क्या था कि हम कंप्यूटर को एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देते थे, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जिसको कि हम कंप्यूटर प्रोग्राम कहते हैं या एल्गोरिदम कहते हैं, और फिर हम कंप्यूटर को इनपुट देते थे। इनपुट क्या होती थी हमारी? मोस्टली डेटा के फॉर्म पे इनपुट थी, और इस इनपुट को कंप्यूटर जो है वो जो उसको इंस्ट्रक्शन सेट मिला होता था उसके हिसाब से प्रोसेस करके हमारे को रिजल्ट देता था। तो ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग में एल्गोरिदम कंप्यूटर को हम देते थे, डेटा हम देते थे, और कंप्यूटर का काम था प्रोसेस करके रिजल्ट देना। पर आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट मशीन्स में हम कंप्यूटर को एल्गोरिदम नहीं देते हैं, क्योंकि ये मशीन्स जो हैं ये मशीन लर्निंग पे बेस्ड हैं, यानी कि कंप्यूटर जो है अपने को वो एल्गोरिदम खुद सिखाता है। तो ये कैसे होता है कि हम कंप्यूटर को इनपुट जो है वो बहुत सारा डेटा देते हैं, जिसको कि बिग डेटा भी कहते हैं, और फिर हम कंप्यूटर को कुछ थोड़े से डिज़ायर्ड रिजल्ट्स देते हैं। तो अभी जो हम AI बेस्ड मशीन बनाएंगे गूगल की टीचेबल मशीन को यूज़ करते हुए, उसमें हम कंप्यूटर को बहुत सारे फोटोग्राफ्स इनपुट करेंगे, जैसे कि बनाना के, जैसे कि एप्पल के और लेमन के। तो हम कंप्यूटर को ये बहुत सारी फोटोग्राफ्स इनपुट करेंगे, इमेजेस इनपुट करेंगे, और कंप्यूटर जो है वो एक इमेज रिकॉग्निशन का जो एल्गोरिदम है वो खुद से जनरेट करेगा। जब कंप्यूटर ये एल्गोरिदम जनरेट कर लेगा, तब हम कंप्यूटर को हम कैमरा के थ्रू दिखाएंगे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि एप्पल या बनाना या लेमन एट्सेट्रा, और कंप्यूटर बेस्ड ऑन द एल्गोरिदम दैट इट हैज़ जनरेटेड हमारे को बताएगा कि उसको क्या लगता है कि वो बनाना है, कि वो एप्पल है, कि वो लेमन है। और AI बेस्ड मशीन्स में क्या होता है कि कंप्यूटर जो है वो अगर हमें बताता है कि हमने जो इनपुट किया था अगर उसको लगता है कि वो बनाना है, तो वो कहेगा कि कंप्यूटर बताएगा कि वो कितना श्योर है। मे बी वो 100% श्योर है, मे बी वो 90% श्योर है, मे बी वो ओनली 40% श्योर है कि ये बनाना है। और फाइनली अगर कंप्यूटर को हम कोई ऑब्जेक्ट दिखाते हैं, मान लो बनाना, और कंप्यूटर कहता है कि ये जो है वो एप्पल है, तो हमारे को हम क्या करते हैं कि वो जो भी उसका रॉन्ग रिज़ल्ट था उस रिज़ल्ट को हम वापस फीड करते हैं कंप्यूटर को, और हम कंप्यूटर को कहते हैं कि जो अपना एल्गोरिदम वो जनरेट करा था उसको दोबारा से जनरेट करे, रीजनरेट करे। और इस तरीके से कंप्यूटर अपनी गलतियों को सुधारते हुए बेटर एंड बेटर AI मशीन बन जाती है, बेटर एंड बेटर आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट मशीन बन जाती है। और ये जो गलतियां होती हैं उनको दोबारा डालना और मशीन लर्निंग के थ्रू वो जो एल्गोरिदम है उसको रीजनरेट करना, इसको रिकर्सिव लर्निंग कहते हैं। तो हम गूगल टीचेबल मशीन एक फ्री ऑनलाइन टूल को यूज़ करते हुए मशीन लर्निंग बेस्ड AI मॉडल्स बनाना सीखते हैं। तो मैं गूगल की टीचेबल मशीन की वेबसाइट पर हूँ। इसका URL है teachablemachine.withgoogle.com। तो यहाँ जाके मैं एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहा हूँ
तो गेट स्टार्टेड का बटन दबा रहा हूँ। तो आप टीचेबल मशीन में तीन किस्म के मशीन लर्निंग बेस्ड एआई प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। एक इमेज रिकॉग्निशन का, जिससे कि हमें समझ में आता है कि एक एआई मशीन में ह्यूमन विजन का इक्वलेंट क्या है, कि जैसे हमारी आँख ऑब्जेक्ट्स को देख के हमारा जो मस्तिष्क है वो रिकग्नाइज करता है कि ऑब्जेक्ट क्या है, वैसे ही ये कंप्यूटर विजन का प्रोजेक्ट है इमेज रिकग्निशन का। और फिर आप ऑडियो रिकग्निशन के प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं, और आप पोज या जेस्चर रिकग्निशन के प्रोजेक्ट्स भी बना सकते हैं। तो इस वक्त हम एक इमेज रिकग्निशन का प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन हैं, एक एम्बेडेड इमेज मॉडल बनाना जो कि माइक्रो कंट्रोलर्स में ज़्यादा यूज़ होता है, और दूसरा स्टैंडर्ड इमेज का मॉडल बनाना। तो इस वक्त हम एक स्टैंडर्ड इमेज का मॉडल बनाएंगे। तो ये हमारा इंटरफेस है जहाँ पर कि हम ये गूगल की टीचेबल मशीन का मॉडल बनाएंगे। तो मैं यहाँ जाके सबसे पहले अपना वेबकैम जो है उसको ऑन कर रहा हूँ, और ये मेरे वेबकैम की इनपुट है। तो इस वक्त वो केवल टेबल नज़र आ रही है, पर मैं यहाँ पर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक एप्पल रख रहा हूँ। तो हम जो इमेज रिकग्निशन का प्रोग्राम बना रहे हैं, हम उसमें सबसे पहले चाहते हैं कि हम अपनी मशीन को सिखाएं, टीच करें कि एप्पल क्या है। तो मैं यहाँ क्लास वन इसको कह रहा हूँ कि हमारी पहली क्लास है एप्पल, और ये एप्पल जब ये हमारे वेबकैम में विजिबल है तो मैं ये होल्ड टू रिकॉर्ड का बटन जो है इसको दबा के और होल्ड कर रहा हूँ। तो अब ये वेबकैम के थ्रू हमारी फ़ोटोग्राफ्स जो हैं वो एप्पल की फ़ोटोग्राफ्स खींच रही हैं, और मैं एप्पल को थोड़ा थोड़ा जो है वो हिला रहा हूँ ताकि हमारी मशीन का जो एआई मॉडल है उसको अलग अलग डायरेक्शन से एप्पल जो है वो दिखे। तो हमारे पास अराउंड 439 सैम्पल इमेजेस एप्पल की हमने इनपुट अभी करी हैं अपनी मशीन में। अब इसके बाद मैं सेकेंड ऑब्जेक्ट जो ट्रेन करना चाहता हूँ अपनी मशीन को, वो है एक लेमन। तो मैं लेमन को यहाँ रखकर मैं जो सेकेंड क्लास है इसको एडिट करके यहाँ कह रहा हूँ क्लास टू इज़ एक्चुअली अ लेमन, और फिर वेबकैम को ऑन कर रहा हूँ, और मैं अब होल्ड टू रिकॉर्ड का बटन दबा के अपने लेमन की फ़ोटोग्राफ्स खींच रहा हूँ, और फिर वही मैं उनको जो एंगल है वो थोड़ा थोड़ा बदल रहा हूँ ताकि हम अपनी मशीन को जो लेमन है इसको अलग अलग एंगल से दिखा पाएं। सो अगेन मैंने 400 प्लस इमेजेस यहाँ पर इनपुट कर दी हैं। अब हम लेमन को हटा के यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक बनाना रख देते हैं, और हम एक ऐड न्यू क्लास करके हम यहाँ एक तीसरी क्लास ऐड कर रहे हैं बनाना, और फिर मैं वेबकैम को ऑन करके होल्ड टू रिकॉर्ड दबा के बनाना की अलग अलग एंगल से जो है फोटोग्राफ्स फिर से इनपुट कर रहा हूँ अपनी मशीन को ट्रेन करने के लिए। और फिर हमने 400 प्लस इमेजेस यहाँ इनपुट करी हैं। मॉडल को टेस्ट करने के लिए मैं एक बॉल को भी ट्रेन कर रहा हूँ, मॉडल को ट्रेन कर रहा हूँ बॉल रिकग्नाइज करने के लिए, ताकि हम बाद में इसको लेमन के साथ जो है डिस्टिंग्विश करके देखें कि क्या हमारी मशीन रिकग्नाइज कर पाती है कि जो हम इनपुट कर रहे हैं क्या वो बॉल है कि वो लेमन है। तो अगेन मैं बॉल को रखते हुए यहाँ पर ऐड न्यू क्लास कर रहा हूँ, और मैं इस क्लास का नाम दे रहा हूँ बॉल। वेबकैम ऑन करके मैं होल्ड टू रिकॉर्ड का बटन दबा के जो बॉल है इसको अलग अलग एंगल से इनपुट कर रहा हूँ, और यहाँ पर भी हमने अराउंड 400 प्लस इमेजेस जो हैं वो इनपुट कर दी हैं। तो जो मैं आपको पहले समझा रहा था कि ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग में हम एल्गोरिदम खुद देते थे, और मशीन लर्निंग में हम एल्गोरिदम नहीं देते हैं, हम बिग डेटा इनपुट करते हैं। तो हमने ये जो है ये बिग डेटा इनपुट किया है एप्पल का, लेमन का, बनाना का, बॉल का, और हमने कंप्यूटर को कहा है कि इस किस्म की जो इमेजेस होती हैं उनको हम एप्पल कहते हैं, इस किस्म की जो इमेजेस होती हैं उनको हम लेमन कहते हैं, और इस किस्म की जो इमेजेस होती हैं उनको बनाना, इस किस्म की इमेजेस को बॉल। और अब हम अपनी मशीन को ट्रेन करेंगे। ट्रेन करने का क्या मतलब है कि हम
मशीन से कह रहे हैं कि अपना एल्गोरिदम, इमेज रिकग्निशन एल्गोरिदम, सच दैट इट विल हेल्प द मशीन डिस्टिंग्विश कि वो एप्पल है कि लेमन है कि बनाना है कि बॉल है, वो ये मशीन लर्निंग के थ्रू, ये जो टीचेबल मशीन है, ये खुद से उस एल्गोरिदम को, इमेज रिकग्निशन एल्गोरिदम को जनरेट करेगी। तो यहाँ ट्रेनिंग में एक एडवांस्ड भी है, पर अभी हम एडवांस्ड ऑप्शंस नहीं यूज़ कर रहे हैं, हम सिंपली कह रहे हैं ट्रेन द मॉडल। तो अब ये टीचेबल मशीन कह रही है कि प्रिपेयरिंग ट्रेनिंग डेटा, और अब ये थोड़ा टाइम लेगी मॉडल को ट्रेन करने के लिए। तो मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ, और जब मॉडल ट्रेन हो जाएगा तब मैं इसके आगे आपको दिखाऊँगा। तो अब हमारा ये जो मॉडल है ये ट्रेन हो गया है, और यहाँ पर अगर मैं ये बॉल रखता हूँ तो जो हमारी एआई मशीन है वो अब वेबकैम से ये इनपुट ले रही है, और इस एआई मशीन ने जो ये एल्गोरिदम खुद से जनरेट किया है, वो एल्गोरिदम कह रहा है कि दिस ऑब्जेक्ट इज़ अ बॉल, और ये एआई मशीन 100% श्योर है कि ये बॉल है। और अगर मैं ये बॉल हटा के यहाँ पर ये लेमन रखता हूँ, तो ये जो मशीन है वो कह रही है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये लेमन है, और मशीन 100% श्योर है कि ये लेमन है। और अगर मैं यहाँ पर ये एप्पल रखता हूँ, तो हमारी जो मशीन है वो कह रही है कि वो जो एआई मशीन है वो कह रही है कि ये ऑब्जेक्ट एप्पल है, और वो 100% श्योर है कि ये एप्पल है। और अगर हम अब मैं ये हटा के यहाँ पर बनाना रख रहा हूँ, तो मशीन कह रही है कि ये ऑब्जेक्ट बनाना है, और वो 100% श्योर है कि ये बनाना है। और अपने मॉडल को फर्दर रिग्रेसली टेस्ट करने के लिए हम कर सकते हैं कि मैं यहाँ पर एक लेमन भी रख रहा हूँ, और मैं यहाँ पर बॉल रख रहा हूँ। तब जब हम ये दोनों ऑब्जेक्ट्स को इनपुट कर रहे हैं, और जिनकी यू नो शेप और टेक्स्चर, कलर वगैरह जो है, राउंड, येलो, ये काफ़ी सिमिलर है, तो मशीन जो है वो काफ़ी कन्फ्यूज्ड है कि मे बी, वो कह रही है कि मे बी इट्स अ लेमन, मे बी इट्स अ बॉल, और जैसा आप देख रहे हैं कि इट्स नॉट वेरी श्योर कि वो ऑलमोस्ट 50-50% है कि ये ऑब्जेक्ट जो मशीन को दिख रहा है वो लेमन है कि वो बॉल है। और इसी तरीके से अगर मैं अपना हाथ यहाँ रखता हूँ, तब भी यही प्रॉब्लम हो रही है कि अगर मैं हाथ जो है अपना थोड़ा सा राउंडेड शेप में रख रहा हूँ, तो मशीन को समझ में नहीं आ रहा है कि ये एप्पल है कि ये बॉल है, और मे बी थोड़ा बहुत थोड़ा हम लेमन और इसमें भी देख रहे हैं। पर अगर मैं अपना हाथ जो है इसको स्ट्रेच कर रहा हूँ, तो क्योंकि मेरे स्ट्रेच्ड हाथ की शेप जो है वो बनाना की शेप से यू नो काइंड ऑफ मैप करती है, ज़्यादा मैप करती है, तो कंप्यूटर को लग रहा है कि ये शायद बनाना है। और अगर मैं इसको बहुत किस तरीके से कराऊँ, तो मशीन मतलब दिस इज़ अ रॉन्ग रिजल्ट। मशीन कह रही है कि 100% श्योर है कि ये बनाना है, जस्ट बिकॉज वो जो इमेज रिकग्निशन में जो भी इनपुट इस एल्गोरिदम में मशीन ने जो भी लिखा था, उसके हिसाब से इस किस्म की लंबी शेप जो है वो बनाना है। तो कहने का मतलब क्या है कि एआई मशीन इट्स क्वाइट मिराकुलस कि हमने केवल इमेजेस ऑब्जेक्ट इनपुट करी, बिग डेटा इनपुट किया, और मशीन ने एल्गोरिदम खुद से जनरेट किया। ये आई मीन थिंक अबाउट इट कि दिस इज़ अ वेरी पावरफुल थिंग दैट इज़ हैपनिंग, कि हम कोडिंग हम नहीं कर रहे हैं, प्रोग्राम हम नहीं लिख रहे हैं, एल्गोरिदम हम नहीं दे रहे हैं, मॉडल जो ये मशीन है ये खुद से अपने को ट्रेन कर रही है। पर ऑफ कोर्स जैसा आप अभी देख रहे हो, ये गलत भी करे, अभी कुछ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है और उसको मशीन को लग रहा है ये एप्पल है, या मैं यहाँ पे अपना हाथ इस तरीके से रख रहा हूँ, तो मशीन 98-99% श्योरिटी के साथ कह रही है कि ये बनाना है। तो ये इसलिए हो रहा है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो मशीन है वो और ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट दे, तो फिर मुझे जो मैं ऑब्जेक्ट दिखा रहा हूँ मुझे मशीन को ट्रेन कर देना चाहिए। तो मुझे एक और क्लास बना के हम ये ट्राई कर सकते हैं कि मैं यहाँ पर जाके एक और ऐड ए न्यू क्लास करके यहाँ कह रहा हूँ हैंड, और फिर मैं वेबकैम ऑन करके होल्ड टू रिकॉर्ड करके, तो मैं यहाँ पे अपना जो हाथ है इसको रख के यहाँ होल्ड टू रिकॉर्ड करके अपने हाथ को अलग अलग एंगल से इनपुट दे रहा हूँ मशीन में। और हमने फिर से अराउंड 400 इमेजेस जो हैं वो सैम्पल्स हमने इनपुट कर दिए हैं मेरे हाथ के। तो अब ये सॉर्ट ऑफ रिकर्सिव लर्निंग का एग्जांपल है कि वो ऑब्जेक्ट को गलत रिकग्नाइज कर रही थी, तो हमने उस ऑब्जेक्ट को भी इनपुट कर दिया है। पर ऑफ कोर्स अब मुझे मॉडल को दोबारा ट्रेन करना पड़ेगा, ताकि अब जो हमारी ये एआई मशीन है ये अपना एल्गोरिदम अपडेट कर पाए। तो मैं फिर ये ट्रेन मॉडल करके
वीडियो पॉज कर रहा हूँ, जब ये मॉडल तैयार हो जाएगा तब मैं फिर इसको और आगे आपको दिखाऊंगा। तो अब हमारा जो मॉडल है वो रीट्रेन हो गया है विद दिस न्यू ऑब्जेक्ट माय हैंड। तो अब हम इसको टेस्ट करके देखते हैं। तो अब जब मैं यहाँ पर अपना हाथ रख रहा हूँ इलोंगेट करके भी, तो पहले ये एआई मशीन कह रही थी कि ये बनाना है, बट अब जब हमने ये एल्गोरिथम अपडेट कर दिया है इस नए डेटा सेट के साथ, तो अब ये एआई मशीन कह रही है कि ये हैंड है और ये 100% श्योर है कि ये हैंड है। और अगर मैं यहाँ पे बनाना रखता हूँ तो मशीन हमारी कह रही है कि ये बनाना है और ये 100% श्योर है कि ये बनाना है। अगर मैं दोनों ऑब्जेक्ट्स रखता हूँ तो जैसा आप देख रहे हो कि अगर मैं हैंड को प्रीडोमिनेंट कर रहा हूँ तो मशीन हैंड रिकग्नाइज कर पा रही है, और बनाना प्रीडोमिनेंट इमेज है तो मशीन रिकग्नाइज कर रही है ये बनाना है। और अगर ये ओवरलैप हो रहा है तो मशीन को कन्फ्यूजन है, इट्स नॉट वेरी श्योर कि ये बनाना है कि ये हैंड है। और इसी तरीके से अगर मैं कोई और इलोंगेटेड ऑब्जेक्ट रख रहा हूँ, तो मैं ये जुकीनी रख रहा हूँ, तो अगेन जो एआई मशीन के समझने की बात है वो ये कि वो जनरल पैटर्न रिकग्निशन कर रही है कि वो इलोंगेटेड ऑब्जेक्ट है, येलो नहीं है, तो वो बहुत श्योर नहीं है कि ये हैंड है कि बनाना है, और इस मोर लाइक अ बनाना मशीन को लग रहा है ये ऑब्जेक्ट है। और अगर हम चाहते हैं कि मशीन जो है वो जुकीनी को भी ठीक से आइडेंटिफाई करे, तो हमें अगेन मशीन को ये वाली इनपुट देकर ट्रेन करना पड़ेगा, रीट्रेन करना पड़ेगा टू रिकग्नाइज दिस ऑब्जेक्ट। तो दैट इज़ हाउ एआई मशीन्स वर्क। और अगर हम थोड़ा और एक और चैलेंजिंग चीज़ देखें, तो मेरे पास यहाँ पर एक बनाना पील है, सो इट्स नॉट अ बनाना, खाया हुआ बनाना है, उसकी पील है, पर जैसा आप देख रहे हो मशीन उसको करेक्टली आइडेंटिफाई कर रही है कि ये जो है ये बनाना पील है, और 100% श्योर है मशीन कि ये बनाना पील है। इवन अगर मैं थोड़ी उसकी शेप वगैरह बदल रहा हूँ तब भी, इसको मैं हटा के रीसेट करता हूँ कि अगर मैं तब भी ये रख रहा हूँ तब भी मशीन आइडेंटिफाई कर रही है कि ये बनाना है। तो आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ा ये आइडिया समझ में आया कि जो एआई बेस्ड मशीन्स हैं वो मशीन लर्निंग को यूज़ करते हुए कैसे खुद से एल्गोरिदम जनरेट करती हैं। एंड आई होप आप अप्रिशिएट कर रहे हो कि हम किस किस्म की दुनिया में जा रहे हैं, जहाँ पर कि मशीन जो है वो रॉ इनपुट को लेके एल्गोरिदम जो है वो खुद से जनरेट करती है। और हमने यहाँ पर जो है कंप्यूटर विजन का ये एग्जांपल है कि कंप्यूटर अपने को कैसे ट्रेन करता है टू रिकग्नाइज ऑब्जेक्ट्स। और जैसा मैंने कहा कि गूगल की ये जो फ्री ऑनलाइन टूल है टीचेबल मशीन, उसमें आप इमेज बेस्ड एआई प्रोजेक्ट्स कर सकते हो, ऑडियो बेस्ड एआई प्रोजेक्ट्स कर सकते हो, और जेस्चर या पोज रिकग्निशन बेस्ड एआई प्रोजेक्ट्स कर सकते हो। सो आई होप आप इस वीडियो से इंस्पायर होके ये सारे प्रोजेक्ट्स ट्राई करोगे, क्योंकि एआई और मशीन लर्निंग जो है ये काफ़ी आगे चलकर प्रचलित होने वाले हैं, इसमें काफ़ी नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी निकलेंगी। और इवन अगर आप जॉब करो या ना करो, इट्स अ फैसिनेटिंग सब्जेक्ट टू लर्न।